सावन का महीना भगवान भोले का काफी प्रिय माना गया है। तभी तो प्रकृति से लेकर हर ओर ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दे रही है। हरिद्वार ही नहीं, देश भर में चल रहे कांवड़ मेले में शिव भक्तों के अनेक रूप देखने को मिल रहे हैं। कहीं शिव भक्त नोटों से सजी कांवड़ ले आ रहे हैं, तो कहीं ढोल नगाड़े और डीजे के साथ गंगा जल लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सावन महीने में जब भगवान आपको खुद ही दर्शन दे दें तो क्या कहना। ऐसा ही एक मामला समस्तीपुर से सामने आया है, जहां जिले के हसनपुर प्रखंड के बेला गांव में एक मजदूर को खेत में काम करते समय शिवलिंग मिल गई, जिसकी चर्चा आसपास के गांव में भी आग की तरह फैल गई। शिवलिंग को खेत से उठाकर गांव में ग्रामीणों के स्थापित कर दिया गया। लोग भजन कीर्तन पूजा पाठ करने लगे, ग्रामीण चंदा इकट्ठा करने में जुट गए ताकि विशाल मंदिर बना सके। लेकिन उस शिवलिंग पर नजर दबंगों की पड़ गई। दबंगों ने हुजूम ले आकर आ धमके और वहां से मार पीट कर शिवलिंग लेकर चले गए। हालांकि दबंगों की ओर से जब शिवलिंग को उखाड़ा जा रहा था तो स्थानीय लोगों ने रोकने का काफी प्रयास किया, मगर दबंगों की दबंगई के सामने कोई टिक नहीं सका। भोलाबाबा का शिवलिंग मिला था धान के खेत में, जिनको मिला वही यहाँ के स्थापना किए थे बाबा को। तो ये जगह जो है सो देवधा के बाबुल लोग का जगह है, उन लोग ऑब्जेक्शन किए कि हमारे जगह पे नहीं रहेगा। फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं कि मतलब गांव के ही कुछ लोग आ करके सो यहाँ पर जो है धक्कम धुक्की करके शिवलिंग को ले जाने का प्रयास किए ये लोग। उसके बाद क्या हुआ, जितनी महिलाएं लोग थी सब शिवलिंग पे लेट गई उनको बचाने के लिए, और काफ़ी जो है सो मतलब एक दो आदमी को जो है सो देखे आँख वाँख में भी चोट लगा हुआ था, खून भी आ रहा था। उसके बाद किसी तरीके से उनको ये किया गया। फिर शाम को एक मूवमेंट हुई तो फिर लोग डिसाइड किया क्या कि अभी इस तरीके का माहौल रहेगा तो फिर कभी भी आके फिर से लोग मारपीट कर सकता है। तो बतनहा टोल जो है बाकी और लोग सब लोग डिसाइड किए क्या कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जमीन जो है देने के लिए तैयार नहीं, और कहीं ना कहीं उन लोग भी थे जो क्योंकि अब अंदर का बात नहीं जानते हैं। फिर हम लोग डिसाइड किए कि भाई सब जो ले चलो यहाँ से। फिर हम लोग बाद में आ करके बाबा को मिथिलेश जी से ही उखड़वा करके बतनहा टोल ले गए और उनकी जगह जो है डिसाइड किया गया है, कल परसों में जाकर उनकी स्थापना की जाएगी। हाँ। बाबा उखड़ते हमें यहाँ जितने याद रहिए सब बाबा पर सुत रहे, बाबा पर जो सुत रही है कि सब जितने गाँव लोग कलखिन उठे उठे फेंकने गिन, आ फेंकला के बाद में हमरा आर के मालिको रहलखिन कलखिन कि जे आधा घंटा के नहीं समय देव यहाँ बाबा के रह के अपन अभी तुरंत उठबू। तो बाबा के आदमी के बोलाल गए कलखिन तो कलखिन कि अहाँ बाबा लेब सुन बाबा एलखिन तो कलखिन कि जे अहाँ लेब तो कलखिन दस गो आदमी बाबा के हिलेलखिन डोलखिन बाबा नहीं डोललखिन। हमर एगो आर जाते ने बाबा के जबरदस्ती छुआ दिल्क डर के मारे जेकि बाबा लेबे अपन ले जाओ तो हमर भैंसुर छुलखिन तब बाबा उखड़लखिन तब हिंका दिल गए। की नाम छे अहाँके? हमर नाम सुचानो देवी। चानो देवी। गाँव? गाँव बेला। थाना? खेत में शिवलिंग मिलने के बाद जहां एक ओर ग्रामवासियों में खुशी की लहर देखने को मिली, वहीं अब बदमाशों की दबंगई के बाद उनके चेहरे पर फिर से मायूसी छा गई। पंजाब केसरी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।